गाइस यहाँ खड़ी है मारुति जो हमारी पहली कार थी। पहुंच चुके हैं पहाड़ों पे भी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। अभी दो मिनट देयर्स द व्यू चल। और अभी जा रहे हैं डलहौजी, अभी रास्ते में और मजा आया, मतलब बहुत बढ़िया ट्रिप। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम डलहौजी, नहीं अभी 50 किलोमीटर रह रहा है और बस अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं, चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकल जाएंगे। बाकी बढ़िया रस्ता था, बहुत बढ़िया रस्ता है। वो तो पता है लेकिन सेम चीज है, मैंने देख लिया जगह जगह है तो पापा सेम चीज, लेकिन मैंने हिमाचल का कोई कोना नहीं, इसको कितना ही देख लो लेकिन इनकी खूबसूरती नहीं घटती। खूबसूरती है वही तो, वही तो यही खूबसूरती है, नेचुरली है। और देखो कैसे कटे पड़े हैं बीच में से, कैसे देखो कैसे कटे पड़े हैं, कैसे एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से, यही तो जन्नत है। देखो मैं जितना ही दिखाऊंगा, जितने ही मेरे सामने भी आएंगे मैं दिखाता रहूंगा, लेकिन है सब सेम, लेकिन मेरी वो ज्यादा है। रोड देख लो भाई कैसे हैं, इतने से रोड, ये पहाड़ भाई मैं इसको कितना ही दिखाऊंगा, वो ही कम है तो देख लो वो क्या बन रहा है, वो पहाड़ के अंदर वो देखो ना क्या बन रहा है।
गुफा जी, वो देखो कोई छेद सुरंग सुरंग नहीं है, ऐसी बना बन रखा है कुछ। ये देखो कितना, ये पापा ये देख रहे कैसे वो जा रहा है पुल, देखो कितना जैसे जा रहा है ये बहुत पुराना बना पड़ेगा। ऑफ रोड चल रहा है, ऑफ रोड सामने का व्यू भाई, मतलब नो वर्ड्स ऑफ दिस व्यू, नो नो वर्ड्स भाई, नो वर्ड्स ऑफ दिस व्यू। तो ये हरा पहाड़ और ये है लाल पहाड़, इतना फर्क है, फर्क देख रहे हो, मोर देखो। कट्टी बत्ती बिल्कुल सांप सांप सामने है सूर्य देवता, बिल्कुल सामने, मेरे को तो नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे होंगे मोबाइल से भाई, देख रहे हो व्यू, दैट्स अ व्यू। और ये तो भाई जन्नत है जन्नत भाई, देख रहे हो डिज़ाइन कैसे जा रहे हैं पहाड़ों पे भाई, क्या ही है ये, ओ फूडिंग चल गया ये भाई।
देख रहे हो तुमसे कोई डर लग रहा कि इसका फोन है जैसे कहीं मुझे को भी डर लग रहा है भाई क्या चलता होगा वेरी स्केर्ड कभी फोन ना गिर मेरे हाथ से और यहाँ तो सीधा खाई में और फिर तो ख़त्म हो जाएगा भाई ख़त्म भाई मैं कितने वीडियो बना लूँ यार कम ख़त्म ही नहीं होती हर एक व्यू को देख के लगता है कि अब वीडियो बना लूँ वीडियो बना लूँ भाई ये तो ऐसे तो मेरा फ़ोन ही भर जाएगा देख लो भाई हर एक चीज़ देखने के लिए टेरिस फार्मिंग हो रखी है और देखो कितना झूम है भाई गंदे रास्ते गंदे तो नहीं है भाई रोड बहुत बढ़िया बना रखे हैं और बस ये कट बहुत ज़्यादा है ना इस चक्कर में बस आपको टेरिस पार्किंग दिखाने के लिए फ़ोन ऑन करा था मैंने बस अच्छा देख रहे हो और आप कह रहे थे नीचे ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी ने गोभियाँ उगा रखी हूँ हरी हरी कलर की नीचे सच्ची में देखो ऐसे लगता है देख रहे हो और देख भाई व्यू हो रखी है टेरिस फार्म अड़ गया मैं जब भी दिखाने की कोशिश करती तेरे में कुछ ये आ जाते हैं वेरी तो टेरिस फार्मिंग हो रखी थी वहाँ पे बहुत सारे भजन चल रहे हैं हमारी बस में लेकिन भाई मतलब स्पीचलेस कहते ना जिसको भाई जहाँ ही देखो हमारी और नीचे खाई बढ़िया लग रहा है यार मतलब क्या ही है भाई ये क्या ही है मेरे को फिर डर मेरा फोन नहीं चला गिर के देख रहे हो भाई कितने सेक्सी लग रहे हैं वहाँ पर और देख रहे हो तुम्हारी बस जा रही है वहाँ से कह रहा जो मैं कह रहा था कि जो बिल्कुल ब्रोकोलियों की तरह लगते नीचे पहाड़ देखने में ओ भाई वो देख रहे हो वहाँ से बस आ रही है और मोरे बादल देख रहे हो वो गजब है भाई गजब स्पीचलेस हूँ यार मैं भूल लेकिन भाई स्पीचलेस हूँ ये हरी से हरी हरी ब्रोकलीज देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी ब्रोकलीज चलो मिलते हैं होटल में बस अब ख़त्म अब नहीं करूँ मैं अब जब तक होटल नहीं आता ओ नमस्कार भाई देख रहे हो कितना अरे यार सारा व्यू बह रहे थे भाई देख रहे हो कितना अरे कितना ब्यूटीफुल झरना ओ देख रहे हो भाई भाई देख रहे हो कैसे रोड ये नीचे धसी पड़ी है हाँ टूट रहा है रोड देख रहे हो ये है भाई पहाड़ों के नज़ारे मैं भी आपको यार एक झरना आया था आपको दिखाता हूँ ये नीचे ही एक झरना है बहुत क्यूट दिखाता हूँ आपको ना कह रहा था मैं तो अभी तो वो बहुत दूर जा चुका है देखो और अब बहुत दूर हो गया और ये देखो क्या है भाई ये जन्नत है जन्नत जन्नत है भाई सब देख रहे हो
ट्रक की भाई तेरी गजब साउंड थी। भाई गजब है यार वो जनो, तो मैंने दिखा दिया आपको। चलो बंद करता हूँ। देखिए आप ही बताओ मैं क्या ही बोलूँ इस व्यू को देख के। कुछ है ये, ओ ये तो छोड़ ही आ गया भाई। कुछ है इस व्यू को, आप शब्द हैं कुछ इस व्यू को देख के। सिर्फ ये लगेगा स्पीचलेस, बस स्पीचलेस है भाई। ऊपर जा रही है ऐसे करके ऐसे, फिर वो वहाँ जा रही है स्पीचलेस भाई स्पीचलेस। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ मेरी वीडियो में भाई स्पीचलेस स्पीचलेस, कोई शब्द नहीं है भाई, नहीं है भाई, नहीं है। अब इसको देख के तुम्हारे पास कोई शब्द दिखेंगे तुमको भाई, अगर तुम आओगे ना जब तुमको पता चलेगा क्या है ये भाई। हूँ स्पीचलेस और मेरा मन कर रहा है वीडियो बार बार बनाने का इन चीज़ों को देख के। देखे कैसे कट लगता है हमें भाई। पहाड़ों में आओ तो अपना आराम से ड्राइविंग करो, सेफ करो, और पीछे जय माता दी, जय माता दी। देखो बहुत बढ़िया भाई, तेरी सदा ही जय, के दरबार की जय भाई। स्पीचलेस 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 भाई। मैं अभी भी वो कह रहा, डर लग रहा है, गंदे गंदे कट आ रहे हैं और थोड़ा सा टायर इधर होते ही आपको पता है कि कहाँ होगी हमारी जगह, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इधर तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा साथ में। तो जस्ट चिल एंड एंजॉय द वाइब्स ऑफ पहाड़ माउंटेन्स। कुछ लोग कहेंगे भाई आधी हिंदी आधी इंग्लिश, हाँ भाई ऐसे ही बोलता हूँ मैं, कोई दिक्कत है तो अपने पास ही दिक्कत रखो और तुम भी उसका एंजॉय लो भाई साहब। देख रहे हो एंजॉय द वाइब्स। देखो कैसे बीच में ही बन जाती है गाड़ी जब चढ़ाई आती है, तो कैसे इसको हैंड ब्रेक ऑफ करके एकदम से डाउन करके तो पहली गियर में चढ़ा के फटाफट तो हम बनी गेट पहुंच चुके हैं। और मौसम देख ही रहे हो, टाइम हो रहा है अभी 6:30 और अभी बस हमारा यहीं पे होटल है बनी खेत में, पहुँच रहे हैं बस। तो देख लो मौसम इतना सेक्सी हो रहा है, हम हमारे होटल पे और भाई मैं आपको बताऊँ मौसम बिल्कुल ठंडा ऐसे चल रहा है, कोई एसी चल रहा हो और हर जगह पहाड़ी पहाड़ है और भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे चीज एसी चला रहा हो इसमें। तो पहुंच चुके अपने होटल पे, तो मिलते हैं थोड़ा फ्रेश होते मिलते हैं। तो अपने होम स्टे का रूम टूर कर देता हूँ, होम स्टे का जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो ये है एक कमरा एंड ये जो जितना ये है एंड ये है अपना सिटिंग एरिया, और अभी आपको बाहर दिखाऊंगा जो बाहर का नज़ारा है। और ये है अपना सेकेंड रूम जो कि उससे बड़ा है एंड ये देख सकते हो ये वैसे मास्टर रूम ही है। और ये यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है, ये मेरे की किचन है, किचन बंद कर रखी है एंड ये हो गया वॉशरूम एंड ठीक है नाइस है। तो मैं आपको अभी बालकनी का व्यू दिखाता हूँ यार, अमेजिंग वही स्पीचलेस स्पीचलेस भाई। देखो अभी तो बहुत बड़ा है भाई ये हमारा होम स्टे, और भाई देख रहे हो दैट्स और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपना बास्केटबॉल भाई साहब बेस्ट। और भाई ये देखो ये तो अभी बहुत नीचे हैं, इसके ऊपर कम से कम 3-4 फ्लोर और हैं। तो हम पहुंच चुके हैं डलहौजी, और भाई मतलब मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं हूँ भाई इतना, मतलब मैं आपको मौसम बता दूँ वेदर बता दूँ, मतलब चील्ड मौसम है चील्ड। और मैंने अभी जो यहाँ के मैंने उनसे बात करी तो वो कह ले अभी तो कुछ भी नहीं, आसपली धूप मिल रही थी इसलिए ऐसा थोड़ा ऐसा वेदर होया पड़ा है, लेकिन कहते हैं इससे भी और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है। और मैं आपको कह दूँ मैं सिर्फ अपने हाफ बाजू की टी शर्ट शर्ट्स लाया हूँ और फुल बाजू की कुछ भी नहीं है मेरे पास, और ठंड इतनी हो रही है आप सोच सकते हो। जो मैं ग्रिल है ना इस ग्रिल को भी हाथ लगा रहा हूँ, ये ग्रिल भी भाई इतनी चील्ड है ना, इतनी चील्ड की हद नहीं भाई, बहुत बढ़िया इंजॉय। ओ भाई क्या ही मतलब
ये मेरा फर्स्ट टाइम है डलहौजी। मैं पापा और मम्मी तो आ गए 2-3 बार, मेरा और मेरी बहन का फर्स्ट टाइम है। लेकिन भाई साहब बहुत बढ़िया, और भाई बहुत ठंड, बहुत मतलब मौसम ऐसा है ना। चलो मैं आपको टेम्परेचर बता दूँ कि टेम्परेचर कितना है, हुआ है यहाँ का टेम्परेचर कितना है, और आपको बता दूँ कि बहुत ठंड है भाई। मतलब भाई जैसे लग रहा है एसी चला रखा है किसी ने, तो भाई गजब है गजब। तो मैंने आपको अपना यहाँ पे होम स्टे दिखा दिया जहाँ पे मैं रह रहे हैं। हमारे कमरे तो कम से कम यहाँ पे हैं 7-8 कमरे हैं, हमारा यही कमरे हैं। यहाँ पे रहेंगे 2-2, 4-4, 4 जने जो हम हैं, मेरी फैमिली और भाई साहब। और आपको अभी और आगे दिखाता हूँ। और जैसे अभी आए हैं, पहुँचे हैं, हम चले थे 6:30-7 बजे, और अब जस्ट टाइम हो चुका है, अब टाइम हो चुका है भाई 7 बजने वाले हैं। अभी तो 6:45 ही हुए हैं, और थोड़ी 6:45 हुए हैं। तो अभी तो बस चल रहा है, अपनी अपना सामान सुमन रख रहे हैं। और भाई साहब आपको भी दिखाऊं, कितनी बार ही देख लो भाई, इससे भाई मन नहीं भरेगा भाई साहब। की चार्जिंग बहुत कम रह रही है, 25% रह रही है। बिकॉज मैंने सुबह भी चार, मैंने रात को चार लगाया था, तो रात को मैंने 100 करके उसके बाद सुबह मैंने चार्ज ही नहीं करा। और बस अब पहुँचाऊँ, अब 25-26 हो रही है, और बस अब थोड़ा सा भी चाय अभी रिफ्रेश होएंगे, उसके बाद मॉल रोड जाएंगे, और उसके बाद फिर अपना सो जाएंगे खाना खुना खा के। और बाकी तो बस अब मैं ब्लॉग तो अभी ये ख़त्म नहीं करूँगा, रात को ही ख़त्म करूँगा। अभी तो आपको मॉल रोड दिखाऊंगा मैं, और रात को ही ख़त्म करेंगे इसी व्यू के साथ भाई, स्पीचलेस। तो भाई जस्ट मैंने अभी वेदर देखा है, वेदर हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ठंड वाला मौसम है, तो भी 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। यस बस इतना ही, और बाकी की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो भाई जब हम घूम रहे हैं यहाँ पे लोकल मार्केट, अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे मार्केट वगैरह। ऐसे तो आज संडे है, तो खाने को नहीं खोला है, तो हमने डिनर डुनर कर लिया, खा लिया फास्ट फूड वगैरह जो खाना था। तो अभी टाइम हो चुका है 9:30, मतलब 10 बजने वाली है, 9:45 से भी ऊपर होगी। तो बाद बाई गाड़ी को जाना है, तो 9:45 हो चुकी है, और बस अभी खाने को ले घूम लिए हैं, और बस अभी कमरे में जा रहे हैं घूम के, और फिर वीडियो एंड में सुबह करूँगा, तो मिल बाद में भाई। मैं तो बहुत ठंडा है, मिलते हैं, तो मैं दिख नहीं रहूँगा बिकॉज अंधेरे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 12 बजे, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, धुंधे धुंध, ऊपर तारे हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो जस्ट भाई बहुत ठंडा है, एंड आपको मिलता हूँ मैं सुबह। The next day. भाई सुबह हो चुकी है, और अभी बज रहे हैं 7:30, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारे बालकनी से व्यू, मतलब ओहो। भाई मेरे को जिम छोड़े 6 महीने हो चुके हैं, पंप अभी तक है। गाइस सुबह हो चुकी है, मैं जैसे भी उठाऊँ टाइम हो रहा है 7:30, और ये वाली वीडियो भी एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको मज़ा आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और व्यू तो यार स्पीचलेस, हमारी बालकनी का व्यू, और वेदर भाई इतना ठंड हो रहा ना, तो भाई बहुत 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 मज़ा आया एक पहले दिन का। अब आप जो अगले आगे हम करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।